नमस्ते, मैं हूँ सिमाना और आपका स्वागत है मेरे चैनल डाइनिंग टेबल विद सिमाना पे। अक्सर मार्केट में चाय पत्ती आजकल बहुत ही महंगा हो गया है, वो भी अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती बहुत महंगी हो गई। तो अगर आप कंफ्यूज हो चाय लेने के लिए तो ये जो आज मैं चाय की रिव्यू देने जा रही हूँ वो जरूर खरीदे। और वो है, सभी को पता है, लेकिन अगर कोई चाय अगर आप पीते हो अच्छी नहीं लग रही हो तो ये चाय जरूर ले, ये आपको जरूर भाएगा। ये है ताजा ब्रूक बॉन्ड। जी हाँ, मैं सालों से यही पीती हूँ और इसके अलावा मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये जो चाय पत्ती जो है ताजा ब्रूक बॉन्ड सालों से चल रहा है अपने इंडिया में और ये बहुत ही अच्छा है। इसके दाने जो है बड़े बड़े दाने हैं और ये मैंने लिया है डीमार्ट से, मैंने बहुत सस्ते में लिया है। हालांकि ये चाय पत्ती भी इतनी सस्ती नहीं है, महंगी ही कैटेगरी में आती है, लेकिन रेड लेबल वह ताजमहल उन सबसे थोड़ा सा कम ही रेट में मिलता है ये, लेकिन स्वाद जो है उन्हीं के लेवल का अच्छा और ब्रांडेड क्वालिटी उन्हीं के लेवल में है ये। मैंने यहाँ पे MRP दाम दिखाया गया है, ये देख सकते हैं MRP रेट जो है 320 बताया गया है, लेकिन मैंने इसे लिया है 259 रुपीज में। तो ये जैसे कि आपको MRP दिखा दिया है 320 रुपये प्रति केजी है और डीमार्ट में अभी इसका ऑफर चल रहा है, तो मैंने इसे लिया है सिर्फ 255 रुपीज में, यानी 65 रुपये आपको कम रेट में ही मिल रहा है। आप बल्क में 4-5 पैकेट एक साथ खरीद के रख सकते हैं साल भर के लिए, क्योंकि हमेशा जो है ये चाय सस्ती नहीं होती है। ये रेट बाहर आप दुकान में जाके खरीदते हैं तो 320 रुपये में आपको पड़ेगा ये, यानी 65 रुपये कम में आप दिमाग से अभी इस टाइम में आप खरीद सकते हैं। टाटा अग्नि सुपर कप चाय का भी मैंने रिव्यू दिया है, टाटा अग्नि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है और मैंने लास्ट टाइम खरीदा था, बड़े मुश्किल से मैंने खत्म किया है, चाय ही पीने की इच्छा खत्म हो गई उस चाय पत्ती की वजह से, और जो कि अच्छी बात है, चाय तो कम ही पीना अच्छा रहता है। और सुपर कप चाय का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद जो है वो भी चाय बहुत अच्छी है, तो चलिए मैं इसे दिखाती हूँ आपको। आजकल क्वालिटी वाली चीजें मिलने में बहुत मुश्किल होती है और रेट महंगे होने के बावजूद भी, तो इस तरह से मैं डब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ। 1 किलो का पैकेट है ये देखिए, इसमें हरी पत्तियाँ भी मिक्स है, थोड़े से मोटे मोटे दाने हैं, पाउडर नहीं है। इस तरह के जब दाने होते हैं, हरी पत्तियाँ होती है, तो चाय हमारी बहुत ही अच्छी बनती है। अनडाउटली आप में से किसी को भी अगर लगे कि चाय पत्ती कौन सी लूँ, कंफ्यूज हो, तो मेरे रिकमेंडेशन में ये ताज़ा ब्रूक बॉन्ड चाय आप जरूर ले। बाकी चायों से बहुत ही अच्छा है और जो बहुत ही हाई लेवल की चाय होते हैं उसको टक्कर देने वाले चाय है, बहुत एक्सपेंसिव जो चाय है उसको टक्कर देने वाली चाय है ये चाय पत्ती, आपको जरूर अच्छी लगेगी। मैं कोई प्रोडक्ट की ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा चैनल ही ऐसा है कि छोटी सी छोटी चीज़ की भी रिव्यू देती हूँ, मेरे घर में जो चीज़ें मैं प्रयोग करती हूँ लाती हूँ तो उसका रिव्यू करके दिखाती हूँ, ताकि आप सबको चीज़ें खरीदने के लिए और नेसेस मिले और अच्छे खासे ऑफर का आप फायदा उठा सके। अब चलिए इसका चाय भी बना के दिखाती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे मैं 2 कप चाय बनाने जा रही हूँ, तो 1 कप दूध ले रही हूँ, 1 कप पानी। मेरा फंडा यही है, जितना दूध लिया है उतना पानी लेती हूँ। आप चाहे तो फुल दूध का ही चाय भी बना सकते हैं। तो मैं दूध पानी में पहले से हल्का सा उबाल आने देते हैं। ये जो चाय पत्ती है, जब इसका चाय बना के आप पीते हो ना, तो आपका मुंह का टेस्ट ही बदल जाता है, आपको रिफ्रेश फील होता है, ये सच्ची बात है। तो सारी मार्केट में सारी चाय पत्ती अच्छी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी है, आप आंख बंद करके इसे खरीद सकते हैं। अभी तक तो इसकी क्वालिटी में ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, अच्छा है क्वालिटी। चलिए चाय में हमने 2 चम्मच शुगर डाल दिया, ब्रूक बॉन्ड ताज़ा चाय डालने जा रही हूँ। देखिए कितने सुंदर दाने हैं इसके और हरी पत्तियाँ भी है, तो 2 स्पून डालती हूँ। देखिए थोड़ा सा ये चाय पत्ती जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके दाने जो है बड़े बड़े हैं, तो 2 कप चाय के लिए मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। उबाल तो आ गया है, लेकिन चाय को हम 2 मिनट उबालेंगे अच्छे से, तभी चाय के टेस्ट का मज़ा आएगा। आप चाहे तो इसमें इलायची, लवंग, चाय मसाला भी डाल के अच्छा बना रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको वीडियो रिव्यू करके दिखा रही हूँ, तो सिंपली मैं चाय, अदरवाइज मुझे भी लौंग, इलायची, मसाला, चाय मसाला डाल के पीने में बहुत अच्छा लगता है चाय। आप सोच रहे होंगे कि 2 चम्मच 2 टीस्पून में सिर्फ 2 कप, जी नहीं, मैंने बहुत बड़े बड़े कप लिए हैं, साधारणतः जो मीडियम टाइप के होते हैं इसमें 4 कप हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इस कप में चाय आता है, इसका कलर इतना खूबसूरत है ना, मैं क्या बताऊं। तो ये चाय आप जरूर अपने घर में रखें, आपकी किचन की शान बढ़ाएंगी, मेहमानों को बहुत अच्छा लगेगा कि वाह क्या आप चाय बनाती है। देखिए मैं चाय टेस्ट करके बताती हूँ, हालांकि मैं सालों से पी रही हूँ, सिर्फ आपके लिए भी बना के दिखा रही हूँ।
बहुत ज्यादा चाय है इसमें। हालांकि ज्यादा चाय पीना ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभार ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पीती हूँ मैं। चलिए टेस्ट करके देखती हूँ। मजा आ गया। ये चाय पत्ती कल ही लाया था, इससे पहले टाटा अग्नि यूज कर रही थी, गलती से मैंने ले लिया और उसे फेंक भी नहीं सकते, तो खत्म करने में इतना मुश्किल हो रहा था और जीभ का स्वाद ही खराब हो रहा था। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद कुकबोन ताजा का चाय पत्ती से चाय बनाया। ओह माय गॉड, एक घूंट लेते ही मेरी जीभ का स्वाद बदल गया। अब मुझे चाय पीने में मजा आएगा और आई रियली एंजॉय कुकबोन ताजा टी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल में ऑनलाइन शॉपिंग ड्रेसेस के भी रिव्यू मैं देती हूँ, जरूर आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल को विजिट करें। और मेरे चैनल में होती है छोटी सी चीज़ों की भी अनबॉक्सिंग, ताकि चीज़ें खरीदने में आप अवेयर रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।